सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एडिटिंग इंडिया को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों उस पर मैं डॉक्टर बनने या फिर फार्मेसी के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम पहले ही आज देख लेते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। पहला तो ये बी फार्मा क्या है, बी फार्मा के बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसके बाद कम मार्क्स में एडमिशन कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनके कम मार्क्स होते हैं तो उनकी वजह से वो एडमिशन कहीं नहीं ले पाते हैं। तो मैं उसका आज को तरीका बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी ना हो तो क्या करें, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया है कि अगर फिर भी ना हो आपका एडमिशन कहीं भी तो आप क्या करें। तो ये वीडियो को देखते रहिए पूरी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब बात कर लेते हैं बी फार्मा की। बी फार्मा क्या होता है? बी फार्मा की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि फार्मेसी का एक कोर्स है। उसके बाद ये होता है 4 साल का। इसमें पीसीबी और पीसीएम स्टूडेंट कोई भी अप्लाई कर सकता है और ये नीट स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं अगर आपके कम परसेंटेज हैं तो आप एडमिशन, अब बात कर लेते हैं कम मार्क्स में एडमिशन कैसे लें। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आप हम कब कहीं भी मेरिट बेस पर एडमिशन बहुत कम होते हैं। आप जहां भी जाओगे आपको एंट्रेंस देना पड़ता है और आपका एंट्रेंस बेस में ही एडमिशन होता है। काफ़ी सारे कॉलेज में हैं अभी भी कहीं मेरिट बेस एडमिशन, लेकिन आप ज़्यादातर सरकारी कॉलेज में जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर आपको एंट्रेंस ही देना होता है। और दोस्तों एंट्रेंस में आपकी वैसे परसेंटेज सिर्फ 50% से ऊपर होनी चाहिए या फिर 55% से ऊपर होनी चाहिए एंट्रेंस देने के लिए। आप एंट्रेंस दे सकते हैं और आप अपने आराम से सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके कम परसेंटेज हैं तो भी। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारे जामिया हमदर्द जो दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है उसमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है, और जो यूपी के जो ज़्यादातर सरकारी कॉलेज में जितने भी होते हैं सरकारी कॉलेज उसके अंदर यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू होता है। अगर आपको अपने स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जानना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया है कि कब स्टार्ट होता है, कब फॉर्म निकलते हैं वगैरह वगैरह, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी परसेंटेज कम भी है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एंट्रेंस देना होगा। आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं तो आपको आराम से सस्ते और अच्छे बी फार्मेसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये हर स्टेट में होता है कॉलेज, अगर कहीं कहीं मेरिट बेस पर भी एडमिशन होते हैं। अगर आपकी मेरिट हाई है तो आप वहाँ पर आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अगर फिर भी आपका ना हो तो क्या करें, तो दोस्तों अब ये है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज की बात बस ये रहती है वो थोड़े महंगे होते हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और आप एडमिशन लेने इससे पहले एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने कि आपको बताया कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं कहीं आप फेक कॉलेज में एडमिशन तो नहीं लेने जा रहे, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कैसे पता करें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कैसा कॉलेज ख़राब है। तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपका अगर फिर भी नहीं होता है तो दोस्तों दूसरे स्टेट में अप्लाई कीजिए। अगर आपकी परसेंटेज हाई है तो देखिए कौन सा दूसरे स्टेट के अंदर आपको कॉलेज ऐसा मिलता है जहाँ पर मेरिट बेस एडमिशन मिले, और या फिर उसके एग्ज़ाम दे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे जो वो होते हैं एग्ज़ाम स्टेट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो नॉन स्टेट के बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ सीट डिज़र्व होती हैं और आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अगर जानना किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो मैं उसके ऊपर हमारी वीडियो आने वाली है कि किसी भी कॉलेज की आराम से सारी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें, जिसमें मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा एक कि अगर आप वो ट्रिक फॉलो करते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बस आपको नाम पता होना चाहिए, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो अंदर वाली बात होती है, अंदर वाली बात आपको कोई नहीं बताता, लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बताऊँगा जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें अंदर वाली बात भी आप पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या कोई लेन देन का हिसाब होता है या नहीं होता। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, दोनों लिंक मिल जाएंगे, एक तो एंट्रेंस का और आपका एक पीसीआई अप्रूव्ड का, मतलब कौन सा कॉलेज फेक है वगैरह वगैरह।